हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि खिदमत खलक और हब्बल वतनी का जज्बा रखते हों, जो गरीबों, ज़ईफों, मजलूमों और बेसहारा लोगों की खिदमत का जज्बा रखने वाले जो लोग हैं, वो यहां से वादी कश्मीर से जीत के आ जाएं। वो शख्स, वो कैंडिडेट्स जो अमन चाहते हैं, जो वादी कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वादी कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलकर आपसी भाईचारा मजबूत करते हुए एकजुट होकर रहे और वादी कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो। और वो उम्मीदवार, वो कैंडिडेट, वो शख्स जो ये चाहते हैं कि वादी कश्मीर में अमन और खुशहाली हो, ऐसे शख्स जीतकर अगर मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं और पार्लियामेंट में जाते हैं, यकीनन वो यहाँ के लोगों की खिदमत करेंगे। खिदमतदार बन के जो काम करने का जज्बा रखते हों, ऐसे शख्स वादी कश्मीर से जीत के जाएं, ऐसी हम तमन्ना रखते हैं। अभी आप नॉर्थ कश्मीर में हैं, नॉर्थ की जो बारामूला पार्लिमानी सीट है, यहाँ के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला हो, कुपवाड़ा हो या डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, मैं लगातार अपने तमाम वर्कर्स के साथ मुलाकात कर रहा हूं। और बड़गाम की भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज इस नॉर्थ कश्मीर के साथ लगी हैं, तमाम वर्करों से मुलाकात करके जो हमारे वर्कर्स की राय होगी, जो हमारा वर्कर बीजेपी का चाहता है, उसी हिसाब से हम फैसला ले लेंगे और ये फैसला हम जल्द ले लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो शख्स जो अमन में यकीन रखता हो, वो शख्स जो गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों, काश्तकारों और बेसहारा लोगों का खादिम बन के काम करने का जज्बा रखता हो, वो शख्स जो डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे, वो शख्स जो भाईचारे को मजबूत करे और वो शख्स जो सबको साथ लेकर चले, ऐसा कोई शख्स यहां से अगर जीत के जाएगा, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाएगा, तो यकीनन वो लोगों की खिदमत करेगा और उससे लोगों का भला होगा। क्योंकि बहुत सारे काम मेंबर पार्लियामेंट के हाथ में होते हैं। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे मुल्क में आज मोदी साहब की और बीजेपी की जबरदस्त लहर है, फिर तीसरी बार मोदी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क की आवाम की उनको सपोर्ट है। और मैं यकीन से कहता हूं कि आने वाले सालों में अब वादी कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शंस में कमल के फूल को खिलता हुआ जरूर देखेंगे, जो मोदी हुकूमत ने काम किए हैं। आज हर एक शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है, 5 लाख रुपया इलाज के लिए मिलता है, वो हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है, वो गुजर बकरवाल को भी है, पहाड़ी कबीले को भी है और वो हर कश्मीरी की भी जेब में है। इसी तरीके से काश्तकार किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीबों को गांव गांव में मकान, जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती थी, उनको छत बना के मकान बना के देने का काम मोदी हुकूमत ने किया। और मोदी साहब ने जो लाडली बेटी सुकन्या समृद्धि योजना, जो खवातीन के लिए स्कीम्स लगाई, जो गरीब लोगों को हजार हजार पेंशन, और इसी तरीके से जो डेवलपमेंट आज वादी कश्मीर के गांव गांव और शहर शहर में हो रहा है, वो चाहे कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, बांडीपुरा हो, श्रीनगर हो, गांधरबल हो या बड़गाम हो, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम या शुपियान हो, हर जगह जो आज डेवलपमेंट है मोदी साहब की देन है। एम्स हॉस्पिटल, पूरे हिंदुस्तान में एक एम्स हॉस्पिटल होता था दिल्ली के अंदर दारुल हुकूमत में, और दूसरा एम्स कश्मीर के अवंतीपुरा में बन के तैयार हो रहा है, ये मोदी साहब की देन है।
जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को समझते हैं कि जबरदस्त जीत के साथ मोदी साहब हैट्रिक लगाने वाले हैं, बीजेपी की जीत होगी। अब चूंकि वो अपोजिशन कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए सच्चाई और हकीकत को बयां करने से उनको थोड़ा जो है वो परहेज हो रहा है, वरना उमर साहब भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार मुल्क के अंदर आएगी, मोदी साहब हैट्रिक लगाएगी, ये तो मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। उमर साहब तो खैर एक बड़े सियासतदान हैं और वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि मरकज में पूरी ताकत के साथ बीजेपी तीसरी मर्तबा फिर हुकूमत बनाएगी।